नमस्कार दोस्तों, टेक न्यूज से मैं हूं अभय शुक्ला और मैं हूं लव शुक्ला। और आज मैं आपको ऐसी न्यूज बताने वाला हूं जो बाकी के न्यूज चैनल्स ने आपको नहीं बताई है। आपको गुमराह किया है, आपको अंधकार में रखने का काम किया है, लेकिन मैं आपको वो सारी न्यूज बताने आज आया हूं आप लोग के सामने। लेकिन उससे पहले मैं उन सारे कोरोना वॉरियर्स को दिल से नमन करता हूँ जिन्होंने 24 घंटे अपना पूरा समय देकर अपने परिवार से दूर रहकर आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर रहते हैं, ये जानते हुए भी कि उनकी जान को खतरा है। इस समय पूरी दुनिया में लॉकडाउन चल रहा है और पीएम मोदी जी ने हिदायत दी है कि सभी लोग अपने घर पर ही रहें। तो इस बात की जांच पड़ताल करने के लिए मैं अपने कुछ मेंबर के साथ बाहर निकला और इसमें हमने पाया कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो घरों से निकलकर नई नई गलियों की खोज कर रहे हैं। वो पता कर रहे हैं कि कौन सी गली किस नई गली पे मिल रही है, किस गली का क्या शॉर्टकट है। जो मेन रोड हुआ करती थी वो बिल्कुल सुनसान पड़ी हैं, जबकि अब जो छोटी छोटी गलियां हैं वो मेन रोड बन गई हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम सी योगी आदित्यनाथ जी ने धूम्रपान पर पूरी तरीके से रोक लगा दिया था, पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन हमारे देश की जनता अपने पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी की बात ही पूरी तरह से नहीं भूली, जिसमें एक मन की बात में उन्होंने कहा था कि गरीबों की ज्यादा से ज्यादा मदद करें। तो हमारे देश की जनता 5 रुपए के गुटके का पैकेट 15 रुपए में और 160 रुपए का पैकेट 5-5, 6-6 सौ रुपए में लेकर उन गरीबों की पूरी तरह से मदद कर रहे हैं। आर्थिक तंगी से लड़ने के लिए सरकार की सबसे ज्यादा मदद तो शराबी कर रहे हैं, वो हमें एक ही दिन में बता दिया कि आखिर शराब सरकार के लिए शराबी क्यों जरूरी है। आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन में श्री योगी आदित्यनाथ जी ने शराब की दुकानों पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी थी कि दुकानें नहीं खुलेंगी, और जब दुकानें खुली तो उत्तर प्रदेश राज्य की जनता ने पहले ही दिन 300 करोड़ की शराब पी गए। दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र जिसने 200 करोड़ की शराब पी। तीसरे नंबर पर राजस्थान जहां के शराबियों ने 59 करोड़ की शराब पी डाली। चौथे नंबर पर आता है कर्नाटक जिन्होंने 45 करोड़ की शराब पी। पांचवें नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश जिन्होंने 40 करोड़ की शराब पी। छठवें पर आता है छत्तीसगढ़ जिसने 25 करोड़ की शराब पी। साथ ही बोला गया था कि इस लॉकडाउन में दुकानें पूरी तरीके से बंद रहेंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने इसका भी तोड़ निकाल दिया। दुकानदार अपनी शटर बंद करके बाहर ऐसे बैठे रहते हैं जैसे कि वो वातावरण का पूरा मजा ले रहे हों, लेकिन असल में वो झूठ बोल रहे हैं आपसे। वो कर क्या रहे हैं, वो दिखावा कर रहे हैं आपसे, वो देश को सच नहीं बता रहे हैं। लोग कर क्या रहे हैं, शटर बंद करके अपनी दुकानों के बाहर बैठे रहते हैं ताकि लोग आए और उन्हें रुपए दे दें और वो अंदर से जाकर उनको सामान लाकर अपनी दुकान इसी तरीके से चलाते रहें। लोगों को भ्रम हो गया है क्योंकि लोग सोचते हैं कि इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा जो चर्चे हैं वो कोरोना के हैं, लेकिन उन्हें बहुत बड़ा भ्रम हुआ है। दरअसल इस लॉकडाउन और महामारी, वैश्विक महामारी में सबसे ज्यादा चर्चे इस गुटके और दारू के हैं। इस लॉकडाउन में पुलिस के हाथों में इतनी पावर आ गई है कि वो जिसे भी चाहे मेंढक और मुर्गा बनाने में सक्षम है, जिससे जीव जंतुओं और पक्षियों में काफी रोष व्यक्त किया है। इस कोरोना नामक वैश्विक महामारी के आने से हमारे देश को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। उनमें से कुछ नुकसान की भरपाई करना संभव है, जैसे कि भारत को आर्थिक तंगी आई है, आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ये समय के साथ साथ सुधारा जा सकता है। लेकिन बहुत से ऐसे नुकसान हैं जिसकी भरपाई करना संभव नहीं है, जैसे इस कोरोना वैश्विक महामारी का बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवा दी है जिसकी भरपाई करना संभव नहीं है। लेकिन इसके कुछ फायदे भी हैं, जैसे अगर कोरोना वायरस ना आया होता तो हमें लॉकडाउन, क्वारंटाइन और आइसोलेशन जैसे नए नए वर्ड कैसे सुनने को मिलते, हमें कैसे पता चलता कि प्रकृति के आगे हम कुछ भी नहीं हैं।
हम लोग अपनी फैमिली के साथ इतना समय कैसे बिता पाते हैं, मास्क और सैनिटाइजर के महत्व को हम कैसे समझ पाते हैं, जो कि आने वाले समय के लिए ये बहुत ही जरूरी है। आज आप देख लीजिए हमारी गंगा तालाब कितने स्वच्छ हो गए हैं, उनका पानी कितना स्वच्छ हो गया है, वातावरण जो कभी इतना प्रदूषित हुआ करता था आज कितना साफ है। हमारे एक रिपोर्टर के अनुसार इस लॉकडाउन में पति और पत्नी के झगड़े में काफी वृद्धि के अनुमान भी लगाए जा रहे हैं। ब्यूटी पार्लर खुलने की वजह से लड़कियों की सेल्फी में भारी गिरावट आई है। अब हम आपको बताते हैं कि लॉकडाउन खुलने के बाद सबसे ज्यादा भीड़ किन किन जगहों में लग सकती है। लॉकडाउन खुलने के बाद बियर बार और दारू के ठेके में सबसे ज्यादा भीड़ लगने की संभावनाएं हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद दूसरी जगह सबसे ज्यादा भीड़ या सबसे ज्यादा फायदा ओयो होटल्स को होगा, जो किसी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के रिश्ते को बनाए रखने में अपना अमूल्य योगदान देते हैं। और हम लोग भी इसी तरह आप सभी लोगों को हंसाकर अपना अमूल्य योगदान देते रहेंगे। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इस वीडियो पे लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, ताकि हम इसी तरीके से आपका मनोरंजन कराते रहें और पार्ट टू जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।